तो ये दुनिया में कोई खुश नहीं है, नो वन इज हैप्पी, भगवान के भक्त छोड़ के दुनिया में कोई खुश नहीं है। तो बोलेगा ऐसा कैसा, बहुत लोग खुश दिखते हैं मुझे, फिल्म स्टार खुश लगते हैं, बहुत सारे लोग खुश लगते हैं। प्रॉपर लिख रहे हैं, व्हाट इज वेरिटास हैप्पीनेस इज माया इल्यूजन। ऐसा लगता है कि वो लोग खुश हैं पर ऐसा ये माया का खेल है, वो सब लोग बहुत दुखी हैं। जैसे एक पियकड़ रहता है जो गंदे नाले में पड़ा रहता है, उसको लगता है मैं बहुत खुश हूँ, पर वो पागल है क्योंकि ब्रह्म है, उसको लगता है वो खुश है। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया में कोई खुश हो ही नहीं सकता इंद्र तृप्ति में। नारद मुनि को पता है इसलिए वो भ्रमण करते सबको प्रचार करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान का माया इतना स्ट्रांग है, इतना शक्तिशाली है कि ये जो सुअर है गंदे नाले में पड़ा रहता है कीचड़ में, उसको भी लगता है कि वो बहुत खुश है। तो भौतिक दुनिया का माया इतना है, व्यक्ति कष्ट में भी रहेगा उसको क्या लगता है, बहुत सुखी हूँ मैं। नो वन कैन बी ट्रूली हैप्पी विद इन दिस वर्ल्ड। श्रील नारद मुनि इन ऑर्डर टू एनलाइटन द मिजरेबल इनहैबिटेंट्स वॉन्डर्स एवरीवेयर। तो ये भौतिक दुनिया में कोई खुश नहीं हो सकता, इसलिए नारद मुनि जो बद्ध जीव है उनको ज्ञान देने के लिए, भगवान के भक्ति में प्रोत्साहन करने के लिए सब जगह घूमते हैं। हिज मिशन इज टू गेट देम बैक होम, बैक टू गॉड। नारद मुनि का एक मिशन है, क्रांतिकारी है। उनका मिशन क्या है, जितने भी बद्ध जीव हैं उनको मुझे भगवत धाम लेकर जाना है। दैट इज द मिशन ऑफ ऑल जेन्युइन डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ दैट ग्रेट सेज। तो जितने भी शुद्ध भक्त हैं उन सबका एक मिशन होता है। मिशन क्या है, मुझे जो बद्ध जीव है उनको भगवान के धाम लेके जाना है। नारद मुनि हरि नाम में खुद आनंद लेते हैं और दूसरों को आनंद बांटते हैं। तो प्रचारक मतलब क्या, प्रचारक कौन अच्छा प्रचारक बनता है, जो पूरा रस चखता है वही दूसरों को रस बांट सकता है।